क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे मोबाइल और वीडियो गेम्स के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? लूडो किंग, जो आजकल हम बड़े मज़े से खेलते हैं, उसमें कंप्यूटर हमारे खिलाफ कैसे खेलता है? पबजी कैरेक्टर्स इतने सच्चे क्यों लगते हैं? कंप्यूटर की चेस जो होती है, ऑनलाइन चेस, वो कैसे खेली जाती है? ये जो घर को सजाने वाली गेम्स होती हैं, इसमें कैसे आसपास का सब बदलता है? कार और बाइक रेसिंग गेम्स में हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ हमारे साथ चल रहा है? असल में इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होती है। ये उसका पहला लेवल है, गेम ऑन। तो बिना किसी देरी के चलिए आज कुछ सीखते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, वो गेमिंग में कैसे यूज़ होता है, और उसके कुछ एल्गोरिदम्स जो कि हैं मोंटे कार्लो ट्री सर्च और मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की एबिलिटी है, उसको काबिलियत देता है सीखने की, समझने की और सोचने की। ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाती है। वो अपने आप काम करते हैं और हमें उन्हें अलग से कमांड्स नहीं देने पड़ते। इस वर्ड का यूज सबसे पहले जॉन मेकार्थी ने किया था 1955 में। हमारी इतनी सारी मूवीज इस टेक्नोलॉजी को यूज कर चुकी है और हमें इतना कुछ सिखा चुकी है। स्टार वॉर्स, टर्मिनेटर सीरीज, एलिटा बैटल एंजल, और हमारी इंडियन इंडस्ट्री में रावण, रजनी सर की रोबोट, और इसे कहते हैं रजनी स्टाइल, और अभी रिसेंटली जो आई थी 2.0। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक पूरी की पूरी फील्ड है। ये एक आखिरी स्टेज है किसी भी मशीन या किसी भी कंप्यूटर को बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव कराने का, बिल्कुल हमें मिमिक करने का। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है, और डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम को कुछ डेटा देते हैं, वो इस डेटा को समझता है, उससे सीखता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। ये वो करता है एल्गोरिदम्स के थ्रू, और उसे हमें लेबल डेटा देना पड़ता है। डीप लर्निंग ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं वो उस डेटा के लेवल्स देता है और उसके थ्रू सीखता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक डॉग और कैट के बीच का फ़र्क पता करना है पिक्चर्स के थ्रू, कि मतलब एक कैट की इमेज है कि डॉग की इमेज है, तो मैं मशीन लर्निंग में क्या करूँगी कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम को एक डेटा सेट दूंगी बहुत सारी पिक्चर्स का, डॉग का और कैट का, लेकिन नीचे लिखा होना चाहिए कि ये डॉग की इमेज है, ये कैट की इमेज है। अब मशीन लर्निंग क्या करेगा, उनके थ्रू सीखेगा, और जैसे ही हम उसे कोई अननोन डॉग की या कैट की इमेज भेजेंगे तो वो बता देगा कि ये डॉग है कि कैट है। लेकिन डीप लर्निंग में हमें उसे लेबल नहीं करना पड़ेगा। हम लोग पिक्चर्स तो देंगे, लेकिन डीप लर्निंग के थ्रू वो अपने आप सीखता है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू सीखता है। जैसे उसकी आईज़ को अलग से डिफ्रेंशिएट किया, नोज़ को डिफ्रेंशिएट किया, और उसके थ्रू अपने आप बता देगा कि जो हमारी नई इमेज है वो कैट की है कि डॉग की है। तो डीप लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करता है। छोटी क्लासेस में हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, याद है? जैसे हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारा हैंड जो है वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, और रिटर्न में हमारा ब्रेन जो है वो हैंड को सिग्नल भेजता है ताकि हम अपना हैंड जो है उधर से हटा सकें। ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्रेन का काम जो है वो इंटेलिजेंट एजेंट करता है, जो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है सेंसर्स के थ्रू और उसे आउटपुट देता है एक्चुएटर्स के थ्रू। गेमिंग में इंटेलिजेंट एजेंट की जगह गेमिंग एजेंट यूज़ हो जाता है, और वो इन्वायरमेंट से हमारे मूव्स लेगा और आउटपुट में अपने खुद के मूव्स देगा। ये सेम केस है जो लूडो और ये जो कैरम होती है ऑनलाइन या चेस होती है उसमें यूज़ होती है। अब आती है मुद्दे की बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार तरीकों से गेमिंग में यूज़ हो सकता है। सबसे पहला है प्लेयर एक्सपीरियंस मॉडलिंग। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिहेवियर को और हमारे एक्सपीरियंस को स्टडी करता है। जैसे हम प्लेस्टेशन खेलते हैं रिमोट्स के थ्रू, तो हमारा जो जेस्चर कंट्रोल वगैरह है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, या फिर जो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आते हैं या बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये ऐसे ऐसे जो मैसेजेस आते हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। सेकेंड है प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे लेवल्स क्रिएट किए, म्यूज़िक क्रिएट किया, या फिर इंटरैक्टिव स्टोरीज डिटेक्टिव गेम्स में जो होती थी, या फिर ये जो बाइक रेसिंग गेम्स है उसमें जैसे मैंने बोला था कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे लगता है कि साथ में चल रहा है, वो सब कुछ इसके थ्रू होता है। तीसरी चीज़ आती है डेटा माइनिंग ऑन यूज़र बिहेवियर। अब ये जो है वो गेम डेवलपर्स के लिए होता है, वो हमारे बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा और उसके थ्रू हमारी गेम को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने कौन से स्टेज पे छोड़ दिया गेम खेलना, या कौन सा लेवल ऐसा था जो हम लोग को सबसे ज़्यादा पसंद आया जिसे हमने बार बार खेला, वो सब इस चीज़ को स्टडी करते हैं। लास्ट आता है NPC या नॉन प्लेबल करेक्टर्स अप्रोच। अब ये जो नॉन प्लेबल करेक्टर्स है ये अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे अगर GTA Vice City की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो गेम तो नहीं खेल रहे थे लेकिन हम लोग को रियल दिखाने के लिए वो यूज़ किए जा रहे थे, जैसे पुलिसमैन है, जैसे कार्स थी, ये सब जो चीज़ें थी वो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स थी। अभी अलग अलग गेम के लिए अलग होती हैं, ये आगे वीडियो से पता चलेगा आपको। अब आते हैं एल्गोरिदम्स पे। अब बहुत सारी AI एल्गोरिदम्स जो हैं वो यूज़ होती हैं गेमिंग में, बट यहाँ पे हम सिर्फ दो की बात करेंगे। तो सबसे पहले है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम। ये एक सर्च टेक्निक है। सर्च टेक्निक का मतलब है कि वो सर्च करती है बेस्ट ऑप्शन को आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को वो सर्च करती है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक और हेरिस्टिक ड्रिवन है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि वो कैलकुलेट करती है सारे इवेंट्स को और हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करती है। अब जैसे मैं बात करूँ कि 52 कार्ड्स होते हैं, अब 52 कार्ड्स में से किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम उसी तरीके से जितनी टोटल मूव्स हैं या टोटल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें एक पर्टिकुलर मूव के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हेरिस्टिक ड्रिवन का मतलब है कि एक ऐसी अप्रोच चूज करती है जो अभी के लिए परफेक्ट तो नहीं है लेकिन इमीडिएट जो गोल्स हमें चाहिए वो बहुत ज़्यादा सफिशेंटली इससे यूज़ हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है ये ट्री सर्च और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को कंबाइन करती है। अब ट्री जो है वो कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो उसको और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एक मशीन लर्निंग की टाइप है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो खुद से चीज़ें सीखता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स। अब जैसा अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम को एक गेम खेलनी है बट उसको उसके रूल्स नहीं पता, तो वो क्या करेगा कि वो खुद से वो गेम बार बार खेलेगा और जैसे उसको लगेगा कि उसके पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब उसका रिवॉर्ड जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गेम उसने सीख ली खुद से। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ट्रेड ऑफ। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम ट्री को सर्च करते हैं तो एक पाथ सपोज करो हमने चूज़ किया, एक्सप्लोर किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने दूसरा पाथ चूज़ किया तो हमने देखा कि वो पिछले वाले से बेटर है, तो इसी तरीके से ये एल्गोरिदम मेक श्योर करता है कि हम सारे के सारे पाथ्स को देखें और उसमें से बेस्ट चूज़ करें। लेकिन अगर ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा उसके लेवल्स हुए, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सप्लॉयटेशन हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पाथ से वो स्टिक रहे जो अभी तक का सबसे बेस्ट है, तो इन दोनों चीज़ों का ट्रेड ऑफ चलता रहता है। लास्ट पॉइंट जिसको कंसिडर करना है वो है कि एल्गोरिदम जो है वो ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी अप्रोच का मतलब है कि वो अभी के लिए बेस्ट चीज़ को तो चूज़ कर लेगा लेकिन फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो ये चीज़ नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डेटा जो है एकदम से सारा का सारा बदल गया, तो तब जो है ये एल्गोरिदम बेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये एल्गोरिदम के बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं। उससे पहले हम सीखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो सबसे पहली इमेज है ये एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, और जो फर्स्ट सर्कल है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, और उसके नीचे जितनी भी है उनको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड्स। अगर हम वर्टिकली देखें तो ये डेप्थ ऑफ ट्री है, और हॉरिजॉन्टली जो है वो ब्रेथ ऑफ ट्री है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम ट्री को पूरा सर्च करते हैं और एक ऐसा चाइल्ड नोड सिलेक्ट करते हैं जो अब तक सबसे बेस्ट हो, और ये हम करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू जिसमें SI की वैल्यू ऑफ नोड हो गई, XI जो है एम्पिरिकल मीन ऑफ नोड है, C जो है कॉन्स्टेंट है, T हो गया टोटल नंबर ऑफ सिमुलेशंस। सेकेंड स्टेप आता है हमारा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमने क्या किया, जो पिछले मूव में, पिछले हम लोगों ने स्टेप में जो हमने चाइल्ड नोड सिलेक्ट किया था उसी के नीचे हम एक एक्सपैंड करते हैं, एक एक्स्ट्रा चाइल्ड नोड लगाते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब है हम प्रोसेस करते हैं जो हम लोगों ने मूव सिलेक्ट किया है उसको, हम लोग उसके थ्रू पूरी गेम खेलते हैं एंड तक, ताकि हमें पता चल जाए कि गेम का रिजल्ट क्या है, कि वो हम उस मूव के थ्रू जीतेंगे या हारेंगे,
और जैसे ही हमें पता चलता है हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे जो कि है बैक प्रोपोगेशन। अब बैक प्रोपोगेशन में क्या होगा, जैसे हमें पता चल गया कि ये मूव जो है वो जिताएगी या हमें हराएगी, उसके बेसिस पे हम बैक ट्रैक करते हैं और बाकी की सारी चीज़ों को हम अपडेट कर देते हैं। तो ये जो गेम है, ये एल्गोरिदम जो है वो टर्न बेस्ड गेम्स में यूज़ हो सकता है, जैसे टिक टैक टो, चेस और रिसेंटली अल्फागो गेम में भी यूज़ हुआ था, जिसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो बना के रखा है नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब आते हैं हमारे दूसरे एल्गोरिदम पे जो कि है मिनीमैक्स एल्गोरिदम। अब मिनीमैक्स एल्गोरिदम क्या है, ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि हम एक पाथ चूज़ करते हैं, अगर तो वो पाथ जो है हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है, फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा है तो हम उस पाथ को पूरा रिमूव कर देते हैं और दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट से अलग पाथ के थ्रू जाते हैं चूज़ करने के लिए कि कौन सी बेस्ट मूव है। ये बेसिकली टू प्लेयर्स की गेम्स में यूज़ हो सकता है, जैसे टिक टाक टो, चेस एक्सेट्रा। इसमें जो दोनों प्लेयर्स हैं उनको बोलते हैं मिनिमाइज़र और मैक्सिमाइज़र। जो मैक्सिमाइज़र है वो ट्राई करेगा कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोर कर सके, और मिनिमाइज़र जो है वो ट्राई करेगा कि उसको लोएस्ट स्कोर कर सके। इसी के बेसिस पे स्कोर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो ये फर्स्ट एग्जांपल में एक्स को हमने मैक्सिमाइज़र लिया और ज़ीरो को हमने मिनिमाइज़र लिया, तो क्लियरली एक्स जीत रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव 10 पॉइंट्स हो गया, स्कोर उसका 10 है। सेकेंड एग्जाम्पल में ज़ीरो जीत रहा है, मतलब मिनिमाइजर जीत रहा है, इस वजह से जो इसका आंसर है वो -10 है स्कोर। लास्टली इस वाले एग्जाम्पल में जो गेम है वो ड्रॉ हो गई, इस वजह से जो टोटल स्कोर है वो ज़ीरो हो गया। इसको अगर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू, तो अब ट्री स्ट्रक्चर में आप देखो कि अगर हम माने कि फर्स्ट जो रूट नोड है वो मैक्सिमाइजर है और जो सेकेंड वाली है वो मिनिमाइजर्स हैं, तो जैसे ही मैक्सिमाइजर की टर्न आई वो लेफ्ट पाथ भी चूज़ कर सकता है, राइट पाथ भी चूज़ कर सकता है। अब अगर सपोज करो उसने लेफ्ट पाथ चूज़ किया, अब मिनिमाइजर की टर्न आई, मिनिमाइजर जो है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 3 चूज़ कर सकता है या 5 चूज़ करता है कर सकता है। लेकिन मिनिमाइजर क्या ट्राई करेगा कि वो लोएस्ट स्कोर करे, इस वजह से वो 3 को चूज़ करता है। उसी तरीके से अगर मैक्सिमाइजर जो है उसने राइट पाथ को चूज़ किया, अब मिनिमाइजर की टर्न आई, अब वो फिर से 2 में से या 9 में से एक चूज़ करेगा, ऑब्वियसली वो 2 को चूज़ करेगा। इस वजह से अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैक्सिमाइजर की टर्न आई, तो अब उसके पास कौन से ऑप्शन है, 3 या 2। लेकिन मैक्सिमाइजर क्या ट्राई करेगा कि वो हाईएस्ट स्कोर कर सके, इस वजह से इसका आंसर जो है वो आएगा 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, इस सीरीज़ के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ है, तो उसके लिए भी वेट करें। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।